हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का होम क्रिएटिविटी विद सचि में। और मैं हूँ सुचित्रा। तो कैसे हैं आप सब? तो मैंने अपने आप को एक और चांस दिया है और मैं आज से शुरू कर रही हूँ वीडियो डालना। सोचा है कि मैं अब रेगुलर वीडियो डालूँगी जैसे मैं पहले डालती थी। मैंने हफ्ता दिन का ब्रेक लिया और सच कहूँ तो अगर मैं वीडियो ना डालूँ तो मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि शायद अब ये आदत हो गई है या पता नहीं क्या। जब से मैंने चैनल स्टार्ट किया तब से इतना लगाव नहीं था चैनल से। पहले कुछ एक वीडियो डाली थी मैं, और जैसे मैं लाइव करती थी, दोस्तों से जुड़ गई थी, जब चैनल मोनेटाइज हुआ तो अब इस चैनल से जो है लगाव हो गया है। कुछ दिन तो मुझे ऐसा तो लगा कि हाँ भाई, लोग वीडियोस नहीं देख रहे हैं, शायद कमी है कुछ वीडियो में, और इतना कोई बताने वाला भी नहीं है कि क्या क्या टॉपिक लिया जाए क्या ना लिया जाए। तो मैं एक्चुअली दूसरों के व्लॉग्स देखती थी और मुझे भी शौक हो गया कि मैं भी व्लॉग्स बनाऊँ या कुछ रेसिपीज शेयर करूँ, तो इसलिए मैं चैनल पे वीडियोस डालती थी। लेकिन व्यूज़ ना आने की वजह से थोड़ी सी डिप्रेस हो गई थी। बट मैंने अपने कुछ खास दोस्तों से बात करी और उनकी बातों का मुझ पर थोड़ा असर भी हुआ। मैंने एक दो वीडियो भी देखे और फिर मैंने सोचा कि जब बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी रोज़ वीडियो डालते हैं तो फिर मैं भी हार क्यों मानूं। मैंने तो कुछ किया भी नहीं है। मैं तो बहुत ही छोटा सा मेरा चैनल है, जस्ट शुरू ही किया है। तो मेरी आगे ये मैंने अपने आप को एक और चांस दिया है और आप लोग करूंगी प्लीज मुझे सजेस्ट करना, कमेंट सेक्शन में बताना कि मैं आगे वीडियोस करूं या ना करूं, क्योंकि मैं मेहनत तो लगती है, ये तो बात सच है। हर रोज़ वीडियो बनाना एक छोटा काम नहीं है, जबकि आपको घर को संभालना रहता है, और ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी होता है। बट मैं ये जानना ज़रूर चाहती हूँ हमेशा कि मेरे बनाए हुए वीडियो सच में लोगों को पसंद आ भी रहे हैं या नहीं। हर रोज़ वीडियोस बनाना या रेसिपी को शूट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, पर मुझे अच्छा भी लगता है। आप सबको कितना अच्छा लगता है ये मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं ये डिसाइड कर सकूँ कि मैं आगे इस वाईटी पे रहूँ या ना रहूँ। तो ठीक है, मैं उम्मीद करूँगी आप सब मुझे ज़रूर बताएंगे और आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। और आज की जो वीडियो है ये संडे को मैं जहाँ गई थी घूमने के लिए, थोड़ा सा मैंने वहाँ का शूट लिया है, और आगे मंडे का है जो मैं आपसे शुरू में बातें करी और अभी ये गार्डन का सीन दिखा रही हूँ। तो ये दो दिन का मिला के एक छोटा सा व्लॉग वीडियो रेडी हुआ है। और मैं घूमने गई थी संडे को, तो जनरली हम लोग कहीं ना कहीं आसपास जाते हैं, तो इस बार भी मूवी देखने हम लोग गए थे, क्योंकि एक नई मूवी आई है जिसका नाम है भूल भुलैया 2। तो वो देखने गए थे और एंटरटेनिंग मूवी है और बहुत ज़्यादा हॉरर नहीं है। हॉरर तो है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, तो अच्छी लगी मूवी। और संडे को हमारा यही कार्यक्रम रहता है ज़्यादातर, तो जब से यहाँ कोविड के जो केसेस हैं वो कम हो गए हैं और थिएटर वगैरह खुल गए हैं, तो हमारा यहाँ आना जाना होता रहता है। तो यही है, ये मॉल मैंने पहले भी शेयर किया है, तो मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, पता नहीं मन ही नहीं हो रहा था। उम्मीद भी नहीं की थी मैंने कि मैं ये जो शूट किया हुआ है क्लिप ये मैं डालूंगी, कोई वीडियो बनाऊंगी, पर ये आस्था ने किया था। और सवेरे से वो मुझे कह भी रही थी कि तुम डालो, वीडियो बनाओ, फिर से डालना शुरू करो। तो वही है, उसने जो शूट किया था वही सब मैं ऐड कर रही हूँ। प्यारे प्यारे कपड़े हैं बच्चों के, और जो यहाँ रहते होंगे कोलकाता में जो रहते होंगे उनको तो पता होगा।
और बस ये हम नीचे वाले माले पे आ रहे हैं। तो यहाँ से ये फर्स्ट फ्लोर है और यहाँ से आइसक्रीम दिला के आस्था को और हम लोग घर वापस आए थे। और उससे पहले हाँ, ये हम लोग बैठ के सारे मिलके जो है स्ट्रॉबेरी म्यूज़ का मज़ा ले रहे हैं। तो कितना खूबसूरत लग रहा है ना सजा हुआ, तो मैंने बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे छोटा सा क्लिप मैंने लिया था और करती हूँ मैं वीडियो का यहीं पे एंड। चलिए टाटा।